तो दोस्तों, मैं सचिन आप लोग को एक बार फिर से एक नया वीडियो में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, हर एक साल प्रभात खबर अच्छे अंक से पास होने वाले विद्यार्थी को सम्मानित करते हैं। तो इस बार 2021 में भी सम्मानित करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जब 2020 में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था तब भी आपको एक वीडियो बनाकर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बता दिए थे। वो वीडियो मेरे चैनल पर अभी भी होगा, वो जाकर अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसमें भाई लोग कमेंट किए थे कि 2021 में कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। तो आइए, आप लोग को रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको बता दें, प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान के लिए रजिस्ट्रेशन आज ही के दिन यानी कि 23 अगस्त 2021 से शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन आपको बता दें, इसमें एक रूल चेंज कर दिया गया है। अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं और ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तब आपको 90% से अधिक मार्क्स है तभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं करवा सकते हैं। पिछले बार सभी के लिए 80% था, या 80% या 80% से अधिक लाए होंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। लेकिन इस बार CBSE और ICSE बोर्ड के लिए चेंज कर दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए कोई चेंज नहीं किया है। अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को 80% से अधिक मार्क्स है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे वो साइंस या कॉमर्स या आर्ट, कोई भी स्कीम से हो वो करवा सकते हैं। और ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी, अगर 90% से अधिक मार्क्स है, अगर वो साइंस से है या आर्ट से है, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम से है, तो वो यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आते हैं, आपको बताते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे कराना होगा। कोरोना महामारी के देखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रखी गई है, जो कि आपको स्क्रीन पर 3 नंबर दिख रहा होगा, पटना के लिए अलग, मुजफ्फरपुर के लिए अलग और गया के लिए अलग। अगर आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसके लिए आप यहां पर कॉल यानी व्हाट्सएप पर अपना मार्कशीट, यानी आपको मार्कशीट भेजना है व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉपी, एक पेन ले लेना है, एक पेज लेना है, एक पेज और एक कलम ले लेना है, और उस पर अपना नाम, स्कूल का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना मार्क्स कितना आया है, कितना परसेंट आया है, अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अच्छा से लिख कर व्हाट्सअप कर देना है, दोनों चीज़ का, यानी कि मार्कशीट का भी और वो जो लिख कर कॉपी पन्ने पर लिखे हैं वो भी, दोनों आपको यानी कि व्हाट्सअप कर देना है सिंपली। उसके बाद आपको वहाँ पर टीम बैठा हुआ है, जो प्रभात खबर के जो टीम है वहाँ बैठे हुए हैं, आपका जो मार्कशीट भेजेंगे उसका और पता जो भेजेंगे, उसके बाद आपको यानी कि जो रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। डेट नहीं दिया गया है कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, जब रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म हो जाएगा तब जाके आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उसी नंबर से लिंक आएगा। कोई और नंबर से आएगा तो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप किसी भी दूसरे लिंक पर क्लिक ना करें। अगर उसी नंबर से लिंक आता है तब वहाँ पर क्लिक करके आपको सारा इन्फॉर्मेशन भरना होगा। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आपको वहाँ से जो टीम होगा वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, तब जाकर आपको सम्मानित किया जाएगा। या तो मैसेज से कॉन्टैक्ट करे या आपको कॉल करके कॉन्टैक्ट करे, जैसे भी कॉन्टैक्ट करे आपको उसके बाद सम्मानित किया जाएगा। कोरोना महामारी के देखते हुए ऑनलाइन ही रखा गया है। पहले इसको यानी हर एक जो विद्यार्थी थे उनको बुलाया जाता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन ही प्रक्रिया शुरू किया है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।